और MP4 टू MP3 विथ VLC मीडिया प्लेयर। तो दोस्तों हम आज जानेंगे कि VLC के मदद से आप कोई भी MP4 को MP3 में कैसे बदलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए ये हमारे पास एक वीडियो है स्क्रीन पे, तो इस पर हम VLC से ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन विथ VLC कर लेना है। अगर आपके पास सिर्फ VLC है तो VLC से ओपन होता होगा, डिफ़ॉल्ट हम VLC को नहीं करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर VLC से ओपन कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये एक हमारा वीडियो है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का एक वीडियो हमारे पास है। तो इस वीडियो को हम अगर चाहते हैं कि MP3 में कैसे बदला जाए, तो चलिए हम इस पर ओपन करके उसके बाद मीडिया पे क्लिक करिए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करिए। इस जगह पे आप क्लिक करिए। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलते हुए देखेंगे, और यहाँ पर खुलने के बाद ऐड पे क्लिक करिए। ठीक है, इसमें कौन सा फाइल को आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये हमसे पूछेगा। ठीक है, इस पर ऐड पे क्लिक करिए, और आप जो भी वीडियो को करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर हमारे पास डेस्कटॉप पे जो वीडियो है उसको हम करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हो वीडियो, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेस्कटॉप पे हमारा, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हो गया। उसके बाद कन्वर्ट एंड सेव पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछेगा कि कहाँ पर आपको सोर्स जो है हमसे बता दिया, कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, किस फाइल में करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हमको MP3 यहाँ पर करना है, और यहाँ पर जो ऑडियो कहाँ गया नीचे होगा शायद, जी हाँ, ऑडियो MP3 ये जो आ गया आपके पास, ऑडियो प्लस DIV MP3 ASF जो है इसी को हमें चूज कर लेना है। ठीक है, और नीचे देखते हैं MP3 ऑडियो MP3 इसको चूज करिएगा। ठीक है, तो तुरंत और छोटा फाइल बनेगा। उसके बाद फिर कहाँ पर हमें सेव करना है, तो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे ही क्लिक करिए, और इसका नाम दे दीजिए। मान के चलिए इसका नाम है वीडियो टू और डॉट, उसके बाद फिर डॉट, और ये जो हम लिख रहे हैं MP3 इसको आपको जरूर लिखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, .mp3 जो है फाइल का नाम होता है, एक्सटेंशन नाम होता है, तो आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर MP3 ही रखना है, और सेव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऑडियो में बदल जाएगा और सेव हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ऑडियो फाइल आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये धीरे धीरे सेव होने जा रहा है और लगभग हो चुका है। अब इसको आप कट करिए, यहाँ पर से भी आप इसको ओपन करिए। ओपन विथ VLC करना है तो ओपन विथ VLC कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हमारा हो चुका है ऑडियो के रूप में। ठीक है, तो ये वीडियो नहीं है। अब इसका मान के चलिए अगर आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके प्रॉपर्टीज में देख लीजिए। ये हमारा जो है MP3 फाइल है, .mp3 फाइल जो है दिख चुका है। ठीक है, तो आप देख इस तरह से, और मात्र 4 MB का बना है फाइल, बहुत ही अच्छा और सस्ता जुगाड़ वाला ये जो है सॉफ्टवेयर है, जो है MP4 को MP3 में कन्वर्ट करता है। तो आप इस तरह से कोई भी MP4 वीडियो को MP3 में बदल सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।